नमस्ते, मेरा नाम पीयूष पंच है। मैं प्रिंसिपल हूँ सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल HMT टाउनशिप पिंजौर में। जैसे कि अब स्कूल खुल चुके हैं तो हम आजकल देख रहे हैं कि बच्चे मोटरसाइकिल स्कूटर पे स्कूल आ रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि इन बच्चों को रोका जाए कि अपने आप अपने व्हीकल से ये ना आए, क्योंकि अभी इनकी उम्र नहीं है। ज़्यादातर के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है और बहुत सारे बच्चे बिना हेलमेट के ही स्कूल आते हैं। तो रोकने का प्रयास हमारा जारी है। माँ बाप को भी हम जागरूक कर रहे हैं कि वो इन बच्चों को अभी ये चीजें ना दें, क्योंकि अभी ये छोटे हैं, अभी इनकी उम्र नहीं है कि ये सड़क पर इनका इस्तेमाल करें। जैसे कि देश हमारे भारत में एक उम्र है, उसके बाद ही किसी को ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। उसका भी कारण है, क्योंकि एक मैच्योरिटी जब हो जाती है तब आप रोड पर जब अगर आते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आप डिसीजन लेने के लिए अच्छे सक्षम हो जाते हैं। पर छोटी उम्र के कारण इनके पास वो डिसीजन लेने की अभी उतनी क्षमता नहीं है, तो जल्दबाजी में, और खासकर छोटी उम्र के हैं तो ये एक मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर को इनके भगाने का जो जोश होता है वो इनसे गलती करवा देता है। एक बड़ा दुखद वाक्या हमारे एक बच्चे के साथ हुआ है कि एक सितंबर अक्टूबर 2019 में एक बच्चा घर से निकला, पहले जिम गया, उसने वहां पर जिमिंग की, उसके बाद उसके और अपने दोस्तों के साथ वो मोटरसाइकिल पे आगे निकल पड़े और कहीं पे भगाई भी उसने अपनी मोटरसाइकिल अपने दोस्तों के साथ, और एक कार से अपने आप को बचाते बचाते स्पीड ब्रेकर के ऊपर मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और उस बच्चे को चोट लग गई। चोट इतनी थी कि कई मल्टीपल फ्रैक्चर आए, और सबसे बड़ी बात कि उसको सिर की चोट लग गई। उसके पापा यहां पे नहीं थे, बाहर थे, पीछे मदर और ब्रदर और कुछ और लोगों के सपोर्ट से वो लेके एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, जहां पर डॉक्टर्स ने थोड़ा सा मजबूरी दिखाई कि हम नहीं कर पाएंगे इसको। उसके बाद किसी और हॉस्पिटल में लेके गए और उस हॉस्पिटल के अंदर वो बच्चा 15 दिन तक लगभग कोमा में रहा। माँ बाप ने उम्मीद नहीं हारी, माँ बाप को ईश्वर पर विश्वास था कि ये बच्चा पुनः वापस खड़ा होगा अपने पैरों पर। वो लगे रहे, पैसे की उन्होंने परवाह नहीं की। आज 3 साल से ऊपर हो चुका है, वो बच्चा अपनी माता पिता की केयर में और उसके बाद उनकी द्वारा दी गई फैसिलिटी के बाद आज व्हील चेयर पे आ गया है। पीछे बहुत समय तक उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती थी। जब उसकी आंखों की पलकों की मूवमेंट शुरू हुई तो माँ बाप को बहुत खुशी हुई। उसके बाद उसके होंठों की मूवमेंट होनी शुरू हुई तो उसके माँ बाप को बहुत खुशी हुई। कुछ हाथ हिलाने शुरू किए उसने तो उनको और खुशी हुई। क्या आप समझ सकते हैं कि क्या हाल रहा होगा उस माता पिता का। आज वो बच्चा व्हील चेयर पे तो आ गया है, पर पहले जैसा चुस्त, तंदुरुस्त और फुटबॉल का एक खिलाड़ी आज जिस रूप में है उसको देख के बहुत दिल दुखी होता है, आंसू निकल आते हैं उसके इस
हालत को देखकर। पर माँ बाप बड़े हिम्मती हैं, वो साझा करना चाहते हैं अपने मन के भाव के, ताकि जो उनके बच्चे के साथ हुआ ऐसा किसी और के साथ ना हो। और हमारा भी इस वीडियो के माध्यम से बनाने का सिर्फ एक ही कारण है कि हम चाहते हैं कि ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। सिर्फ अपने बच्चे तक ही हम सीमित ना रहे, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी अगर कोई बच्चा इस तरीके से करता है तो उसको अपना बच्चा समझकर हम बाकायदा उसको गाइड करें, उसको समझाएं, उसके माता पिता को गाइड करें, उनसे बात करें कि ये अभी उम्र नहीं। तो छोटा सा प्रयास किसी के लिए जीवनदायी हो सकता है, किसी की जीवन की रक्षा कर सकता है। तो अभी आप उन माता पिता से भी अभी इस वीडियो में आगे उनसे मिलेंगे, वो अपने विचार आपके साथ साझा करेंगे। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, कृपया करके अपने बच्चों को जब तक उनकी उम्र नहीं हो जाती, जब तक वो पूरे सक्षम नहीं हो जाते, जब तक उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आ जाता, और ड्राइविंग लाइसेंस के बाद वो हेलमेट पहनकर जब तक उनको मोटरसाइकिल नहीं चलाना शुरू करते, खासकर बच्चों आप भी मोटरसाइकिल जब आप चलाएं तो हेलमेट जरूर पहनें, क्योंकि हेलमेट हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। हेलमेट भगवान न करे कहीं पे अगर गिरते हैं तो सबसे पहले जो शरीर का हिस्सा जिसकी वजह से पूरा नुकसान होता है वो है हमारा सिर। सिर बचना बहुत ज़रूरी होता है, बाकी चीज़ों को चोट अगर कहीं लगती है वो फिर भी ठीक हो जाती है, पर जो ये सिर है इसकी चोट बहुत तंग करती है। तो अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के भलाई के लिए पहले तो चलाएं नहीं मोटरसाइकिल या स्कूटर, और अगर चलाएं तो पूरे नियमों का पालन करें। भगवान आप सबको खूब लंबी और स्वस्थ आयु दे, यही शुभ इच्छा है हमारी। नमस्ते, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पूर्व अभिभावक हैं और ये हमारा पूर्व छात्र है विकास कटारिया। तो आज हम थोड़ी सी इनसे बात करेंगे जो आज की युवा पीढ़ी है उनको मद्देनजर रखते हुए। तो सबसे पहले तो सर आपका नमस्ते, आपको नमस्ते, और सबसे पहले धन्यवाद आपको कि आप समय समय पर विद्यालय को जो अपने सुझाव है दिया करते हैं, और ये जो आपके द्वारा दिए गए सुझाव है ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। आपके तरफ से मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं कि आज युवा पीढ़ी जो भाग दौड़ भरी जिंदगी में भाग रही है आगे, उनको बाइक चाहिए, सुविधाएं चाहिए, तो इसके लिए आप क्या विचार अपने व्यक्त करना चाहते हैं? मैं तो हर पेरेंट्स को यही कहूंगा, सुविधा दो बच्चों को, लेकिन सेफ्टी के साथ। बच्चे का लाइसेंस होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए। ये मेरा बेटा है, 2 साल से व्हीलचेयर पे है, इसने गलती की थी, बाइक की टोगी थी। मैं तो यही कहता हूँ सब पेरेंट्स को, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए हेलमेट दो, लाइसेंस बनवा के दो, उसके बगैर बच्चे को बिल्कुल। और समय समय पर बच्चे की मैं तो कहता हूँ पूछताछ करनी चाहिए। पूछताछ तो हम भी करते थे, लेकिन चलो क्या करें। हर एक युवा पीढ़ी यही चाहती, बच्चा कोई हेलमेट लेना नहीं चाहता, कई बगैर लाइसेंस चलते रहते हैं। मैं तो यही माँ बाप से यही दुआएं करूं, भाई आपका बच्चा ठीक रहे और सेफ्टी के साथ हेलमेट रखो, लाइसेंस रखो। जी सर, ये भाग्य की विडंबना है कि आपको ऐसा जो हमें समय दिखाया भगवान ने, भगवान परमात्मा करे किसी के साथ ऐसा ना हो,
आपको इसको रिकवर करने में किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आप थोड़ा सा हमें बताएंगे तो जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको इससे जो है एक... ऐसे है जी, मुसीबतों का तो आप ये समझो पहाड़ टूटे हमारे ऊपर। एक महीना तो ये हॉस्पिटल में रहा है, उसके बाद यहाँ मैंने अटेंडेंट रखा है, इतना पैसा बर्बाद हो गया। तो ये बच्चा चाहे जो मर्जी आगे जो डिग्रियां वगैरह जो मर्जी कर ले, पैसा फिर भी इतना नहीं लगना था। 8-9 महीने तो मैंने यहाँ वो रखा है अटेंडेंट रखा है 30,000 रुपए महीना, और हम मियाँ बीबी दिन रात इसी की उसमें लगे हुए, ना कहीं आना ना जाना, ना टाइम पे खाना ना सोना, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या करें। मतलब आज की युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि यही संदेश है, जहाँ तक हो सके दो पहिया वाहनों से बचें, और जब तक लाइसेंस ना हो बाहर ना निकलें, हेलमेट लगा के निकलें। विकास कुछ कहना चाहते हो अपने दोस्तों के लिए? एक तुम्हारी तरफ से सिग्नल थम्स अप, कोई थम्स अप, बाय, थैंक यू। हाँ, हेलमेट गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं तो हेलमेट। अब आगे से गाड़ी तेरे मन में है कि बाइक चलाएगा नहीं चलाएगा? चलाएगा, ठीक होकर चलाएगा जब हेलमेट होगा, लाइसेंस होगा, सब कुछ होगा, ठीक है विकास? तो हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है सर कि ये इसको जल्दी से जल्दी ठीक करे और आपको और बल दे, और यही चाहते हैं कि सारी युवा पीढ़ी जो है वो सही रास्ते पर चले और जो है नियमों का पालन करें और विकास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ याद मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ कि आप अपने बच्चों को बाइक स्कूटर मोटरसाइकिल जो भी दो, हेलमेट दो साथ में, बगैर लाइसेंस के हेलमेट के बाइक मत दो। हमारे को पता है हम कैसे देख कर रहे हैं। नमस्ते, मैं इंद्रजीत, सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल HMT टाउनशिप पिंजौर का शारीरिक शिक्षा का अध्यापक। मैं अपनी युवा पीढ़ी को और हमारे स्कूल के बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप सबके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने बैठा है। ये हमारा वो स्टूडेंट है, अभी भी मैं इसको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारा एक स्टेट लेवल का प्लेयर, फुटबॉल में खेलने वाला प्लेयर, बस इसकी एक छोटी सी गलती ने आज इसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करके रख दी। हमारे अभिभावक इन्होंने बहुत मेहनत की है इस बच्चे को दोबारा से खड़ा करने, और ऐसे माँ बाप बहुत कम हमारी सामने आते हैं कि हाँ भी जो इतने अच्छे तरीके से ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। सो थैंक यू सर कि मैं आपकी बहुत, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ही करना चाहूँगा कि विकास आज जो इस पोजीशन पे दोबारा से आया है वो इन सब की बहुत मेहनत है इनकी, तब जाकर इस पोजीशन पे दोबारा से खड़ा हुआ है। और हमें जो स्कूल में आज के टाइम में बच्चों को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि वो बाइक चला रहे हैं बिना हेलमेट के, बिना लाइसेंस के, और पेरेंट्स सिर्फ थोड़े से पैसों को बचाने के चक्कर में अपने बच्चों को बाइकें दे रहे हैं, मोटरसाइकिल और दो पहिए वाहन जितने भी वो चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आने वाले टाइम में मैं आपको सबको बता रहा हूँ कि आज के टाइम में इतनी ट्रैफिक हो चुकी है, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है हमारे। तो ये इस तरह के हमारे साथ अनुभव जो अभी विकास के साथ हुआ है, तो ये किसी और बच्चे के साथ ना हो, तो मेरी गुजारिश है, मैं आप सबसे एक विनती करता हूँ सभी पेरेंट्स से, सभी अभिभावक से, कि आप अपने बच्चों को बिना सेफ्टी, यानी कि अगर उनके पास लाइसेंस है फिर जाकर उनको इस तरह की मोटरसाइकिल, इस तरह की दो पहिया वाहन तब दें, नहीं तो उस बच्चे को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूल में बस फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे से दे रखी है, बहुत अच्छे से स्कूल में सेफ्टी जोन्स का ध्यान रखा जाता है, फिर भी हमारे माँ बाप इन सब चीज़ों को लेकर थोड़े परेशान हैं, वो नहीं बच्चों को सही तरीके से दे रहे। हेलमेट जो बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, तो उसमें मैं सबसे चाहूँगा कि आप बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस के गाड़ी ना चलाएं, बच्चों को दो पहिया वाहन ना दें। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।